हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मूवी रिव्यू। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। व्यूअर्स, अभी हम उतर चुके हैं। अभी हमारी प्लेन लैंड हुई थी यहाँ पे, और हम ये इमरेट से नहीं और उत्तर की साइड है, पीछे की साइड, उससे ही उतर कर आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इसका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे दूसरे व्लॉग में। आज का हमारा दूसरा व्लॉग होने वाला है ट्रैवलिंग व्लॉग, और इसके अंदर एक मोनूमेंट्स और एक एयरपोर्ट को ऐड किया गया है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, और इसके बाद हम चलेंगे मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से वहीं चलेंगे जो आपने पिछली लास्ट वीडियो में देखी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आज हम चलने वाले हैं जामा मस्जिद। व्यूअर्स, हमारे साथ इस पूरे व्लॉग में आप बने रहें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल ही सटीक और निर्भीक और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यू। चलिए शुरू करते हैं। से टोकन लेने के बाद सीधा मेट्रो में बैठेंगे, और कुछ ये स्पेशल मेट्रो होगी रेगुलर मेट्रो की तरह, क्योंकि ये मेट्रो में जब आप फर्स्ट टाइम बैठोगे तो आपको बिल्कुल ही फ्लाइट का फील होगा। तो दोस्तों, हमने फाइनली अपना टोकन अपने पास रख लिया है और मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई रैंडम मेट्रो नहीं, काफ़ी स्पेशल मेट्रो है जो रेगुलर 5 मिनट पे नहीं, कम से कम 10 मिनट बाद आता है। तो अब थोड़ा वेट कर लेता हूँ मैं साइड में बैठ के, जब तक देख सकते हो आप कुछ साइड का नज़ारा। तो करीब 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेट्रो आ ही गई। तो गाइस, ये मेट्रो काफ़ी स्पीड से चली है और हमें बहुत ही जल्द आधा घंटे के अंदर ही न्यू दिल्ली के पास छोड़ देगी। तो व्यूअर्स, देखो आप कुछ बाहर का व्यू। तो व्यूअर्स, करीब आधा घंटा हो चुका है हमें एयरपोर्ट से निकलने, और हम बाहर वीडियो नहीं बना पाएंगे, सीधा मिलेंगे जामा मस्जिद पे। फाइनली व्यूअर्स, अब हम पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद, और ये है जामा मस्जिद उर्दू बाज़ार रोड, जो काफ़ी पॉपुलर है और
काफ़ी फेमस ये रोड है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर पुलिस चौकी है, और हम पहले आपको मटिया महल का शेयर करवाएंगे, फिर इधर की साइड घुमाएंगे, फिर अंदर चलेंगे जामा मस्जिद। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, आधा काट के वीडियो पॉज करके ही नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हम मीनार के ऊपर भी जाएंगे और वहाँ से भी फिल्मिंग करके आपको उसके ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे, और कैसे वहाँ से पूरी दिल्ली दिखती है ये सब आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। और तो दोस्तों फाइनली हम दिल्ली 6 के मटिया महल गली में आ चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी फेमस खाने की होटल है, और आप देख सकते हैं हमारे सामने अल जवाहर गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट दोनों है, और चिकन मुगलई के आइटम में ये नंबर 1 रेस्टोरेंट है दिल्ली 6 की। और इसी गली के अंदर, मटिया महल गली के अंदर, आप देखेंगे मोहम्मद हुसैन असलम चिकन जैसे बहुत ही मशहूर होटल अवेलेबल हैं। और व्यूअर्स, इस एरिया के बारे में मैं बता दूं तो ये काफ़ी क्राउडेड पैलेस है और यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। आप अगर यहाँ पर किसी भी टाइम आएंगे तो आपको ऐसे ही क्राउड दिखने को मिलेगी, और संडे को आप ना ही आए तो बेहतर होगा, क्योंकि संडे को यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं होती। और इस जामा मस्जिद को बनाया गया है शाहजहाँ के द्वारा, और ये सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की। और ये पूरा एरिया, जो भी पुरानी दिल्ली का एरिया है, ये पूरा आता है शाहजहानाबाद में। जब मुग़ल सल्तनत यहाँ पर हुकूमत किया करते थे तो शाहजहाँ के टाइम में इस जगह का नाम था शाहजहानाबाद, उसी जगह से इसको जानते हैं। तो दिखा दूँ एक बार शाहजहानाबाद का आपका नज़ारा। तो देखिए, ये सब शाहजहानाबाद था, और यहाँ पर अभी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल ही आबाद हो चुका है। तो व्यूअर्स, एक नंबर गेट पे हम आ चुके हैं, और एक नंबर गेट की तरफ से ही हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ये है डोनेशन बॉक्स, और ये है नमाज का वक्त, किस समय नमाज होती है ये आप पूरा यहाँ से चार्ट से देख सकते हैं, और ये कुछ अरबी में उर्दू में लिखा हुआ है। तो ये देखिए अंदर साइड राइट हैंड में वजू खाना है। तो अंदर का व्यू दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती से शाहजहाँ ने इस मस्जिद को बनाया है। कबूतर इसके अंदर उड़ रहा है, देख सकते हैं। और ये है एक नंबर गेट, और ये है वजू खाना इस साइड, और ये है दो नंबर गेट जिसको शाही गेट के नाम से भी जानते हैं, और तीन नंबर गेट हमारे लेफ्ट हैंड पे है, आपको वो भी दिखाऊंगा, वो सामने रहा तीन नंबर गेट। उस गेट से ज़्यादातर फॉरेनर ही आते हैं। ये है गेट नंबर 2, जो सबसे ह्यूज गेट है और शाही गेट है, और ये है हमारा गेट नंबर 1, और ये है हमारा आज का क्लाउड, और ये है जामा मस्जिद। कृपया आप यहाँ पर टिकटॉक ना बनाएं, और रील्स तो सख्त मना है। तो दर्शकों, आपको मैं बता दूं, हम आ चुके हैं जामा मस्जिद के बिल्कुल अंदर, और हमारी एंट्री हो चुकी है। देख सकते हैं मुग़ल ने किस तरह बखूबी इसको अंदर से क्या खूबसूरती से बनाया है, और यहाँ पर अभी नमाज हो रही थी तो हम कुछ देर बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली नमाज ख़त्म हो चुकी है, और देख सकते हो आप किस पत्थर से, बलुआ पत्थर से शायद बनाया गया, और नीचे मार्बल लगा हुआ है, मार्बल संगे मार्बल पत्थर से बनाया गया है। अंदर से कुछ इस कदर बाहर का व्यू होता है, और ये अंदर में काफ़ी जगह है इसके आंगन में, यहाँ पर भी नमाज होती है। और मीनार का टिकट लिया जाता है सामने से। तो गाइस, इस कदर हम मीनार से टिकट लेंगे पहले, उसके बाद हम ऊपर से। ये है मीनार, हम यहाँ चलेंगे अब मस्जिद। आज चलो मैं आपको मीनार पे लेकर चलता हूँ, तो गाइस तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो हम अभी ऊपर मौजूद हैं, और ऊपर बिल्कुल ही गुंबद के साइड में हम खड़े हुए हैं, और ये है ऊपर से व्यू, ये हाफ व्यू है, अभी मीनार पे चढ़ना बाकी है। तो ये है टिकट वाले भाई को मैंने टिकट दे दिया है, और ये किसी का मैटर उलझा रहे हैं। और ये गाइस, हम बहुत ही ऊंचे पे आ चुके हैं, हम
तो ये द्वार है मीनार के ऊपर जाने का, तो आइए इस द्वार से हम एंट्री करें। और बीच में हम कैमरा को लेकर बना नहीं सकते, इसके अंदर कैमरा बड़ा है ना, इस वजह से इससे बना रहे हैं। देख सकते हैं इस कदर हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर आ चुके हैं। और ये दुबई नहीं बल्कि हमारी न्यू दिल्ली, सॉरी दिल्ली 6 है। ये देख सकते हो भाई इस कदर गांधियाबाद से हिम्मत नहीं हो पा रही है। और ये कैरम नहीं बल्कि ये वजू खाना है। और ये छोटे छोटे जरासीम नहीं, ये आदमी है। और ये हमारी पब्लिक कैसा लगा आपको पहुंच कर यहाँ पे? सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सांस की बीमारी, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, सांस की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ शाम का व्यू है, आप देख सकते हो शाम का व्यू। काफ़ी क्लाउडी मौसम है और बादल पूरा नीचे से घिरा हुआ है, फॉग भी लगा हुआ है बिल्कुल, इस वजह से कैमरा ज़्यादा दूर तक दिखा नहीं रहा है। ये मीनार के ऊपर की वीडियो है, आप देख सकते हो मीनार के सबसे टॉप फ्लोर पे अभी हम हैं, सबसे ऊँचे, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और इधर से नीचे हम वहीं पर खड़े हुए थे, मटिया महल, ये वाली वही गली है। और ये है इधर की पॉपुलेशन, ये बहुत ही पॉपुलेटेड जगह है। और ये इधर से व्यू देखे कुछ इस कदर, सामने तुर्कमान गेट और इधर दिल्ली गेट और ये बीच में। पहले तू दे। दर्शकों अब हमें उतरना पड़ेगा क्योंकि मगरिब की नमाज होने वाली है और मगरिब की नमाज के वक्त मीनार पे जाना मना है और ये सख्त मना है। ये जामा मस्जिद की बहुत ही पतली सीढ़ी है जिसके अंदर कुछ होल हैं। लोग इसे सबसे टॉप फ्लोर से बचकर आ चुके हैं। कैसा लगा भाई आपको ऊपर से रेस्क्यू करके आए हैं? कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बहुत 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 भाई, कैसा लगा ऊपर से? बहुत 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 खूब, हमें इतना मजा आया क्या बताए। शाहजहां को बस यही बोलूंगा थोड़ी सी मीनार वाली कर दो, कुछ भी ठीक है। सो व्यूअर्स वक्त हो गई है अब मगरिब की नमाज की, तो अब हम नीचे जा रहे हैं। और जाते जाते मैं आपको बाहर का एक बार और नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो अब हम सीढ़ी से उतर रहे हैं और ये ऊपर का नज़ारा, मगरिब की नमाज होने वाली है तो यहाँ पे जो भी कपल है वो भी नीचे जा रहे हैं। अभी हम एक नंबर के गेट की साइड से चढ़े थे तो अब वहीं पर आ चुके हैं और नीचे मैं खड़ा हुआ था। और ये है एंट्री गेट। तो ये है व्यूअर्स आज का व्लॉग। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। ये अजान की सबसे प्यारी आवाज़ थी। व्यूअर्स ये है कुरैसी कबाब। कहा जाता है कि यहाँ पे बड़े बड़े सितारे जैसे आमिर खान जैसे बड़े स्टार भी यहाँ पर आके खाना खा चुके हैं। हम अभी चल रहे हैं अंदर बैठने की जगह क्योंकि बैठ के खाने का मजा ही आफ्टर वी फेल। जो भी लो दो लो, जो भी लो दो लो। ब्रदर क्या कर रहे हो तुम यार, हाथ रुकेगा तुम्हारा? एक मिनट देखो इधर, कैसा लग रहा टेस्ट करके बता। और अब हम आ चुके हैं टाउन हॉल चांदनी चौक लाल किले के जगह पे।